देखो आज हम प्रैक्टिकल करने वाले, क्लियर, जिसका एम है डिटरमिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ पल्स प्रोपोगेटेड थ्रू अ स्ट्रेच स्ट्रिंग स्लिंकी। ये एक स्लिंकी, ये क्या है स्लिंकी। हम क्या करने वाले, पल्स वेलोसिटी निकालने वाले। क्या निकालने वाले? और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है? जी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर, यहाँ पे हम वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या लगेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट लगेगा। क्लियर, और टाइम लगेगा। टाइम हम किससे मेजर करेंगे? टाइम हम स्टॉपवॉच से मेजर करेंगे। और जो ये जो लेंथ है यहाँ से मिली है जीरो, और ये लास्ट तक कितने 45 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने वाली बात है। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अभी ये सेंटीमीटर मिली है, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, क्लियर, क्योंकि वेलोसिटी निकालेंगे तो किस में निकालेंगे हम लोग? मीटर। तो आइए ये एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं। ये वाला क्या है, इसका नाम क्या है? स्लिंकी। और स्लिंकी को हमने यहाँ से स्ट्रेच कर दिया क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट का नाम है स्ट्रेच स्लिंकी। और उसका यूज करके आपको क्या निकालना है? पल्स वेलोसिटी। क्या निकालना है? ओके, तो हमने क्या किया, पहली रीडिंग लेंगे हम। तो पहली रीडिंग स्टार्ट करते वक्त हम स्टॉपवॉच का यूज करेंगे। और देखो यहाँ पे मैं क्या करूँ, पहली रीडिंग हमारी कितनी है, नंबर ऑफ पल्स कितने होने चाहिए 10। यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ कितने पल्स, कितने 10। अभी मैं यहाँ से ऑसिलेट करने वाला इसको, तो देखो। और इस टाइप के जो वाइब्रेशन होंगे, ऐसे टाइप के जो वाइब्रेशन जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जो इस टाइप के वाइब्रेशन होंगे, ये कौन से टाइप के वाइब्रेशन है? लॉन्जिट्यूडनल। ये कौन से? लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या होता है? कंप्रेशन। क्या होता है कंप्रेशन? और क्या होगा? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ऐसे इसमें होगा। क्लियर, आइए इसकी रीडिंग लेते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो मैंने जैसे ये यहाँ पे जाएगा, मतलब जैसे ये वाली स्लिंकी में वेव जाएगी और वहाँ से वापस आएगी, तो वो टोटल टाइम होगा। क्या होगा? टोटल टाइम। तो पहले रीडिंग लेते हैं नंबर ऑफ टेंस के लिए, हम टाइम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे वो वहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आने के बाद स्टॉप कर दे, वो हमारा टाइम है। तो देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, कितना हुआ, कितना हुआ? 0.99 सेकंड। एक बार और रिपीट लीजिए, एक बार और रिपीट लीजिए, अच्छे से कैलकुलेट करो। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। वन सेकेंड। तो हमारा क्या होगा टाइम, यहाँ पे कह लीजिए कि टोटल टाइम कितना रहेगा? 1 सेकेंड। और डिस्टेंस कितना है? 45 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने वाले। ये होगी आपकी पहली रीडिंग। अभी किस कितने टन के लिए? 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 टन के लिए। कितने? 15। यहाँ से मैंने 15 ले लिए टन्स, 15 टन के लिए। अभी इसके वाइब्रेशन हम देख रहे हैं, हमें यहाँ से टाइम मिलेगा। तो देखो 15 टन के लिए याद रखो, ठीक है, टाइम टाइम नोटेड नोटेड करना आप लोग। ठीक है, ये हो रहा स्टार्ट। कितना सेकंड? 88 मिली सेकंड। एक बार वो रीडिंग ले लो एक बार, क्योंकि इसलिए देखो टाइम अलग अलग, इसलिए तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना, एवरेज निकालेंगे। तो देखो एक बार हम यहाँ से स्टार्ट करें। तो देखो टाइम, देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे आने के बाद बंद करना। ठीक है, स्टॉप करो। देखो मैं स्टार्ट करो, 1 सेकंड। तो उतना टाइम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी रीडिंग कौन सी है? 20। इसमें और कर देता हूँ। ठीक है, ये 20 बन जाएगी। 20 के लिए कर रहे हम लोग। तो देखो इसके वाइब्रेशन, 20 के वाइब्रेशन देखो। ठीक है, अभी देखो अच्छे से कैलकुलेट करो। 1 सेकंड। कितने कितने के लिए? 20 कितने? 20 नंबर ऑफ पल्स, 20 थे। टाइम कितना मिला? 1 सेकंड। लास्ट वाला कौन सा है? 25 के लिए करेंगे हम लोग। तो देखो अभी इसका वाइब्रेशन, 1 2 3 स्टार्ट। 1 सेकंड। ऐसे आपकी चार रीडिंग होगी। क्या होगी? ये कौन से टाइप के वाइब्रेशन है? मतलब ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन, मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव। कौन सी वेव है? और साउंड वेव ऐसी ट्रैवल करते हैं, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। क्लियर, ये हमारी पहली रीडिंग होगी। यहाँ से भी हमें कितनी रीडिंग मिले? चार रीडिंग मिले। हम वेलोसिटी निकालेंगे और सबका क्या करने वाले? मेन निकालेंगे। चार रीडिंग है, आपको पता है, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हम निकाल के वेलोसिटी निकालेंगे, वहाँ से हमारा मेन वेलोसिटी रहेगी, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, ओके।